जी, ये जो हमारी क्लाइंट हैं इनको हमने कुछ अरसा पहले हाइलाइट्स की थी, तो वो अब इनकी रीग्रोथ जो है वो तकरीबन 2-2.5 इंचेस जो है वो आई हुई है। अब वो ईद पे कुछ नया चेंज चाह रही थी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि और आपको बाकी बालों में ग्लॉसिंग करा लें, और इसके अलावा जो है फ्रंट पे आपको कुछ मनी पीसेस जो है ना वो मैं डाल देती हूँ। उससे ये है कि एक लुक चेंज भी आएगी और फ्रेश भी हो जाएगा, और जो है थोड़ी सी फॉइल्स लगेंगी और काम भी हो जाएगा कम टाइम में। तो वो जो है एक और एक न्यू डिज़ाइन भी है जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ हुआ है, तो वो फिर उनका उनको पसंद आएगी मेरी बात। और ये देखें जी, मैंने फर्स्ट फॉइल लगाई है, ठीक है, ये मैंने बैक टू बैक लगाई है, यानी कि बीच में बाल नहीं छूटे हुए। पहला भी वीव करके एक मैंने लगाई है, बाल नहीं नीचे छोड़े, और अब सेकंड भी मैं वीव करके लगा रही हूँ। बैक टू बैक मीन्स के एक दूसरे के साथ ही हैं, बीच में मैं बाल छोड़ नहीं रही हूँ। 20 वॉल्यूम के साथ मैंने जो है ये बनाया है लाइटनर, ठीक है, और 1:2 की रेशियो से। तो ये मैंने 2 फॉइल्स लगाई हैं इसी तरह। आप ये तीसरी फॉइल जो है इसमें ये याद रखिएगा कि बहुत थिक मोटे आपने स्लाइसेस नहीं लेने, बल्कि बारीक बारीक स्लाइसेस लेने हैं, ठीक है। उसमें मैंने अब थोड़े से बाल छोड़े हैं, बिल्कुल बारीक सी उसमें ना, और इसमें मैंने ये वीव किए। पहली और दूसरी जो मैंने फॉइल्स लगाई थी उनके साथ मैंने जो है वो भी वीव ही किया था, लेकिन उनमें बाल छोड़े नहीं थे। इसमें जब मैंने वीव करके नीचे वाले बालों को छोड़ दिए, इनके रूट्स में हमने 6 नंबर कलर दिया है क्योंकि डार्क रूट्स ज़्यादा डार्क निकली हुई थी ना, तो ये जो है सॉरी 6 नहीं 5 नंबर कलर दिया, ठीक है। तो और 20 वॉल्यूम से दिया था। ये देखिए, अब ये थर्ड वाली जो फॉयल है इसमें भी मैंने थोड़े से बाल छोड़ दिए, फोर्थ वाली फॉयल में सॉरी। जी, आप देख रहे हैं कि ये वाली इस जो ऊपर वाली फॉल्स हैं इनमें मैं बाल छोड़ रही हूँ। अब ये जो लास्ट वाली जो मैं फॉल्स लगा रही हूँ इसमें मैं पहले ही मैंने रूट्स तक लगाया के पास जा, और इसमें मैं ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस छोड़ रही हूँ रूट से, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने फ्रंट पे जो ट्रायंगल लिया हुआ है और उसके अंदर ये मैं काम कर रही हूँ। पहली दो जो फॉइल्स थी उनके साथ जब मैंने काम किया तो मैंने नीचे बाल नहीं छोड़े, और अब अगली जो है मैंने उनमें छोड़ा है, और अब ये लास्ट वाली जो दो हैं इसमें मैंने रूट से थोड़ा सा ज़्यादा दूर रखा है। जी, अब साइड के बाल आ गए हैं, ये जो ये भी मैंने आपको शायद नज़र आए मैंने छोड़े हुए थे।
इसमें ये अब पहले मैं फॉइल लगा रही हूँ, बारीक सा स्लाइस लिया है और उसमें मैंने ये वीविंग की है। ठीक है, ये आपने देखा कि वीव जब मैंने किया है तो मैंने जो नीचे छोटे हुए बाल थे उनको लगा रही हूँ। इस साइड पर भी मैं दो फॉल्स लगाऊंगी और दूसरी साइड पर भी दो फॉल्स ही लगाऊंगी। और जब लाइटनिंग हो जाएगी तो उसको जो है वो ग्लॉसिंग भी उसी कलर से करूंगी जो इनके पीछे बालों में दिया हुआ है। एप्लीकेशन करने की प्रैक्टिस करें, एप्लीकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, पैचेस नहीं होने चाहिए, कहीं ज़्यादा लगा हुआ हो, कहीं कम लाइटनर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बहुत थोप थोप के लगा रहे होते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो स्मूथ एप्लीकेशन होनी चाहिए। सेम प्रोसीजर दूसरी साइड पे भी कर रहे हैं। जी इधर भी देखा आपने कि मैंने टू जो है वो स्लाइसेस दो फॉइल्स इधर लगाई हैं। जी वो तकरीबन आधा घंटा लगा के रखे तो हमारे लाइट हो गए थे, बाल उनका फाइन था, जल्दी हो गया। 9.13 जो है वो मैंने लिए लॉरियल का और 9 वॉल्यूम के साथ, और उसके साथ मैंने इनके बालों की ग्लॉसिंग कर दी है। तो पिछले बाल जो थे वो भी फ्रेश हो गए, फ्रंट वालों भी जो हैं उन पे भी कलर आ गया, और ये देखें बहुत ही सॉफ्ट ब्यूटीफुल।